हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। पूरे जोश और उत्साह के साथ इस सेशन को शुरू किया जाए। एसबीआई पीओ 2016 में मेंस में पूछा गया एक रीजनिंग क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं हम सब, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह सेशन होने वाला है। सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का डिमांड भी था कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो आप तक पहुंचाया जाए, और कोशिश भी यही रहेगा कि जो भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोगों को ये डेप्थ आइडिया चल पाए, एक एनालिसिस आप ले पाओ कि आप लोगों के एग्जाम में क्या मिल रहा है और क्या आने वाला है या फिर क्या आ सकता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग टाइप का है। लिटरली आपको समझिए कि जो कंडीशंस दिया हुआ है वो कंडीशन आपको इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस पे। इवन मैंने पहले ऐसा बहुत कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने उठाया है 2016 एसबीआई पीओ मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना। देखिए, आपके पास क्या मेंशन है, इन एवरी क्वेश्चंस टू रो आर गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो यू नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको फॉलो करना है इन सभी स्टेप्स को। स्टेप वन में क्या दिया गया है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाई, क्या बताया गया, एक इवन नंबर अगर फॉलोड होगा बाई ऑड नंबर, वो ऑड नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एडिशन हो जाएगा इन दोनों नंबर का, ठीक है। सेकेंड स्टेप दिया गया, इन स्टेप टू इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर एक ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर से फॉलो हो रहा है, देन द रिजल्टेंट will be the subtraction of the square number from the odd number, subtraction of the square number from the odd number, ठीक है। थर्ड स्टेप आपको गिवन है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अनदर ऑड नंबर, अगर एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है कि दूसरे ऑड नंबर से, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों ही नंबर का एडिशन हो जाएगा। स्टेप फोर दिया गया, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, अगर एक इवन नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, और वो भी ऑड नंबर देखिए क्या मेंशन है, नॉन प्राइम नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम द इवन नंबर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑड नंबर फ्रॉम द इवन नंबर। स्टेप फाइव में आपका है, इवन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, अगर एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक इवन नंबर से, देन द रिजल्टेंट कम्स by multiplying the number। तो resultant आपका कैसे मिलेगा, by multiplying the number। अब आपने ये total five conditions को तो देख लिया, अब इसके basis पे questions को देखिए क्या है, और ये SBI PO 2016 में देखा गया था, और बिल्कुल आप लोगों के अभी ट्रेंड में भी ये पूछा जा रहा है, बनाइए बिल्कुल, पहले खुद से कोशिश कीजिए। 4, 5, 2, 13, 9, 3 ये आपको दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द टू रो, इन दोनों का आपको क्या सम निकालना है, इन दोनों रो का, रो वन आपका ये हो गया, रो टू ये हो गया। अच्छा, सम कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए रो वन में आपका नंबर 4 और 5 है, 4 और 5 के लिए क्या कंडीशन फिट हो रहा है, 4 हम लोगों ने देखा कि इवन नंबर है, 5 हम लोगों ने देखा एक ऑड नंबर है। अब अगर एक इवन नंबर फॉलो हो रहा था एक ऑड नंबर से, और वो ऑड नंबर अगर प्राइम नंबर हो, मतलब क्या 5 आपका एक प्राइम नंबर है, राइट। अगर 5 एक प्राइम नंबर है, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मतलब अब ये चीज आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि 4 + 5 आपका हो जाएगा, 4 + 5 इज इक्वल टू व्हाट, 9। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर 2 बचा, आप 9 और 2 को आपको देखना है, 9 और 2 का रिजल्टेंट क्या करना है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप देखिए 9 एक ऑड नंबर हो गया, 2 एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर हो रहा है, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है लेकिन 2 नहीं होगा, ऑड नंबर फॉलोड बाई अनदर ऑड नंबर, ऑड नंबर 2 नहीं है, अगर एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक इवन नंबर से, और बिल्कुल 9 एक ऑड नंबर हो रहा है और इवन नंबर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, देन द रिजल्टेंट इज मल्टीप्लाइंग ऑफ बोथ द नंबर। तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 × 2 आप कर सकते हैं, 9 × 2 इज इक्वल टू व्हाट, 18। तो फर्स्ट रो का जो रिजल्टेंट आपके पास निकल कर आया वो क्या हो गया, 18 हो गया है। 13 और 9 दिया गया, 13 एक ऑड नंबर हो गया, 9 भी एक ऑड नंबर है, लेकिन अगर देखा जाए तो 9 क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर है। अच्छा, तो ये कंडीशन बिल्कुल मिल सकता है, इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाई ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द ऑड नंबर। ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करना होगा स्क्वायर नंबर को, तो ऑड नंबर हम लोगों को मिला हुआ है 13, 13 माइनस 9 करना होगा, 13 माइनस 9 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसमें और 3 में फिर कंपेयर किया जाएगा। तो 13 और 9 जब आप देख रहे हैं तो 4 मिला, 4 और 3 को अब आपको देखना है, 4 एक इवन नंबर हो गया, 3 एक ऑड नंबर हो गया,
फोर एक इवन नंबर है, उसके बाद ऑड नंबर हो रहा है, लेकिन थ्री एक प्राइम नंबर भी है। अच्छा, अगर एक प्राइम नंबर है तो फिर ये कंडीशन तो फॉलो हो सकता है कि इवन नंबर ही फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, एक इवन नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर, तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। तो 4 + 3 = 7, तो 7 हो गया। अब आपसे रिजल्टेंट फाइनली क्या पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ टू रो, दोनों ही रो का जब आप सम फाइंड आउट करें तो 18 + 27 = 25, तो वैल्यू आपका क्या 25, तो क्या ये आंसर आपका नहीं हो गया, क्लियर है। इसी तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 11, 9, 7, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, अगर एक्स जो है वो रिजल्टेंट है किसके, पहले रो का, फर्स्ट रो आपका ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया है। 11 और 9, 11 एक क्या हो रहा है, ऑड नंबर हो रहा है, 9 भी एक ऑड नंबर है। चलिए इन दोनों कंडीशन के लिए क्या फॉलो हो सकता है, अगर एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर से। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस केस में 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में ये वाला बिल्कुल कंडीशन लग सकता है कि एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर से, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, जो हम लोगों को कंडीशन दिया गया बस वही फॉलो करना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हम लोगों के पास 9 है, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए इन दोनों का, सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, 11 - 9 = 2, तो 2 जब आपको मिला और अब आपके पास 7 है, 2 एक इवन नंबर हो गया, 7 एक ऑड नंबर हो गया, और देखिए 7 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, जब एक इवन नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, दैट ऑड नंबर इज प्राइम नंबर, यही आपको कंडीशन भी था, इफ एन दैट ऑड नंबर इज अ प्राइम नंबर देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बोथ द नंबर्स एडिशन होना है, वी हैव टू ऐड दिस टू नंबर, तो 2 + 7 कर दिया जाएगा, दैट रिजल्टेंट विल बी 9, तो आपके पास पहले रो के लिए तो रिजल्टेंट 9 अगर निकल कर आया तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 17 और 9 के लिए अब आपको चेक करना है, 9 हम लोगों ने देखा कि एक स्क्वायर भी है, एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है कि स्क्वायर से, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर से, चलिए ये कंडीशन के लिए क्या दिया गया था, इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लोगों को ऑड नंबर पे स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए इस केस में क्या हो जाएगा, 17 और 9 का सब्ट्रैक्शन करके देखिए क्या हो रहा है, 8 मिल रहा है, और फिर फाइनली 3 है, एक इवन नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, और देखिए ये ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, 2, 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, इस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, 8 + 3 = 11 हो जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करने बताया गया था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो, तो सेकंड रो का रिजल्टेंट आपके पास क्या निकल कर आ गया, दैट इज 11, तो यही आपका क्या आंसर भी हो गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए, 18, 15, 6 है, 8, 3, x है, फाइंड द सम इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रो इज 20। अच्छा, इन दोनों ही रो का अगर रिजल्टेंट देखा जाए, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, इन दोनों का रिजल्टेंट आपने देखा तो क्या बताया गया है, 2 है फाइनली, ठीक है। इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू रो, सॉरी 2 नहीं है बल्कि 20 है, राइट, 20, देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है बिल्कुल आसान है, सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके पास रो 1 में 18 है, दैट इज अ इवन नंबर, 15 हो गया, दैट इज एन ऑड नंबर, 15 ना एक प्राइम नंबर है ना किसी का स्क्वायर है, ठीक है। इस केस में आप लोगों के पास क्या कंडीशन मिल सकता है, जब एक इवन नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, एक इवन नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, एंड दैट ऑड नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, देन द नंबर्स, देन द रिजल्टेंट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम द इवन नंबर, तो 18 और 15 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, 18 और 15 का सब्ट्रैक्शन, दैट इज वैल्यू 3 मिल गया, 3 और 6 आपके पास आ गया, एक ऑड नंबर हो गया, एक इवन नंबर हो गया, व्हेन अ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ इवन नंबर, दैट इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी, एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक इवन नंबर से, यही चीज है, ठीक है। जब इस केस में आप आते हैं, देखिए कौन सा कंडीशन इसमें लग सकता है, एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक इवन नंबर से, और इन दोनों में क्या आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज स्टेप नंबर 5, ऑड नंबर आपके पास था और एक इवन नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जब आइए ऑड नंबर और इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 3 इज ऑड नंबर एंड 6 इज इवन नंबर, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा वैल्यू, दैट इज 18। अब एक चीज क्लियर है, जब आपके पास ये 18 आ गया है
और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है, दैट इज 20, मतलब सेकेंड रो का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 निकल कर आ रहा है। अब 8 और 3 के लिए सबसे पहले चेक कीजिए, 8 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, लेकिन एक प्राइम नंबर भी है। अगर प्राइम नंबर है तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जब एक इवन नंबर फॉलो हो रहा था कि ऑड नंबर से, और वो भी आपका एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहला कंडीशन स्टेप वन में तो यही था, इन दोनों का एडिशन कर दिया जाएगा। तो 18 प्लस 3 यही चीज करना, सॉरी 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 11 और एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट को यूज़ करते, इन दोनों के केस को यूज़ करते हुए आपको रिजल्टेंट 2 लाना है। कैसे आ सकता है, क्या फॉलो हो सकता है, देखिए 2 आएगा, 11 एक ऑड नंबर है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि 2 आ जाए, तो मे बी ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर 13 आ जाए, 13 माइनस 11 हो जाए तो 2 हो सकता है, या फिर अगर यहाँ 9 आ जाए तो 9 माइनस 11 माइनस 9 2 हो सकता है। तो चलिए इस केस में देखा जाए क्या लग सकता है आपके पास, 11 आपके पास ऑड नंबर है, अगर एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा होगा एक परफेक्ट स्क्वायर से तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब अगर 9 रख दिया जाएगा तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 मिल सकता है। ठीक है, अगर एक ऑड नंबर से ही आपका फॉलो हो रहा होगा तो क्या एडिशन हो जाता है, तो मैंने क्या रखा, एक ऑड नंबर अगर 13 रहता, 13 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देन तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। मतलब केस आपके पास तब हो रहा है जब ऑड नंबर फॉलो हो रहा होगा एक परफेक्ट स्क्वायर से, और उस टाइम में आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो लेट्स सी कि आपके पास केस क्या बचा, आपके पास सॉरी लेट मी आपके पास केस क्या बचा रहा है, 11 अगर एक्स की जगह पर 9 हो जाएगा, और 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो केस आपका ये हो जाएगा 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, मतलब सही है कि 11 माइनस 9 इज इक्वल टू वैल्यू 2 आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आया, एक्स शुड बी 9, मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स शुड बी 9। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, 5 और 4 है, एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा होगा एक इवन नंबर से, लेकिन 4 आपका क्या है, 2 का स्क्वायर भी है। ठीक है, एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है, एक नंबर ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और इस केस में आपके पास यही था भी, एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर से, तो रिजल्टेंट में आपके पास सब्ट्रैक्शन करना होगा। चलिए इस केस में सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, क्लियर है, जब ये 1 हो गया तब आपके पास बच रहा है 15। अच्छा, अब 1 और 15 में चेक किया जाए, 1 एक ऑड नंबर है, 15 भी एक ऑड नंबर है, और ना 1 आपका प्राइम नंबर है ना ही 15 प्राइम नंबर है, जबकि एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक ऑड नंबर से, दैट ऑड नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, उस केस में आपके पास ये वाला तो फॉलो हो रहा है ना, जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक दूसरे ऑड नंबर से, ठीक है, अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर, तो बिल्कुल एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट, 16 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 16 है, जब 21 आपके पास मिल रहा है और 16, 21 इज ए ऑड नंबर एंड 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, मतलब क्या हो गया, एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर से, जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में आपके पास क्या दिया गया था, ऑड नंबर फॉलो हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर से, तो आपको यहां पर सब्ट्रैक्शन कर देना है। चलिए सब्ट्रैक्शन जब आप कर रहे हैं तो 21 माइनस 16 कीजिएगा, 21 माइनस 16 शुड बी 6 प्लस 1 5, 5 और 4 आपके पास मिल गया, 5 एक ऑड नंबर हो गया, 4 एक इवन नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है, जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर से, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू तो माइनस हो जाएगा, मतलब सेकेंड रो के लिए जो रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो, इन दोनों रो का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए 16 माइनस 1 कर दीजिएगा एंड दैट वैल्यू इज 15, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आपका आ गया, दैट इज 15। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स 5 है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रो, इन दोनों रो का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो, अगर इन सेकेंड रो का रिजल्टेंट एक्स है तो फाइंड आउट करना एक्स का वैल्यू, 43 और 36 है। ठीक है, जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो गया ये 43, तो इन दोनों में क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब 43 माइनस 36 आप करते हैं तो वैल्यू कितना मिल रहा है, दैट इज 7।
सेवन और टू हो गया, सेवन एक क्या है ऑड नंबर, टू एक क्या है इवन नंबर। जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक इवन नंबर से, तो इस केस में क्या आपका निकल कर आ सकता है, इस केस में तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, जब एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है एक इवन नंबर से, देन द रिजल्टेंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सेवन इंटू टू इज इक्वल टू वॉट, 14। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर है कि सेकेंड रो के लिए जो रिजल्टेंट निकल कर आया है वो 14 आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14। 14 और 5 हो गया, 14 एक इवन नंबर हो गया, 5 एक ऑड नंबर है, लेकिन क्या है प्राइम नंबर है 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर अगर है तो सीधा आपका फर्स्ट वाला कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, 14 और 5 मतलब क्या, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, दैट वैल्यू इज 19। 19 और आपके पास अब क्या आ गया, 16 आ गया है। तो 19 और 16 में देखिए, 19 एक आपका ऑड नंबर हो गया, 16 एक इवन नंबर है, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, और जब परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस केस में आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको ये वैल्यू क्या मिलकर आएगा, दैट वैल्यू इज 3। पूछा गया था क्या, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सम ऑफ द रिजल्टेंट, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रो, दोनों ही रो का रिजल्टेंट, तो 14 प्लस 3 इन दोनों का एडिशन जब आप करते हैं तो वैल्यू इज 17। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 17। क्या क्लियर है, अगर हाँ तो बिल्कुल आप सब बैंकिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस के क्विजेस को भी अटेम्प्ट करते रहिएगा, साथ ही जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बिल्कुल बनाते रहिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप केएस एजुकेशनल को फेसबुक पे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, शेयर कर दीजिए वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक कर दिया होगा, इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा अगर बेनिफिट मिल रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, तो नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को इजीली नोटिफिकेशन मिल पाए, मैं जो भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँ आने वाले टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो एक और सेशन के साथ मिलते हैं, बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।